इंग्लिश रो नुआ नुआ वीडियो देखिबा कोले मो चैनल सुधीर सर इंग्लिश को सब्सक्राइब करंतु पाकर तबा बेल आइकन को ऑन करंतु एवं वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करंतु। डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। फ्रॉम द फॉर्मेलिन जार लास्ट पोएम दशम श्रेणी रो वीडियो कंप्लीट हेछि। दुईटी पार्ट रे विषय बुझिछे निश्चित भाबर से वीडियो देखि बुझि सकतिबो। पार्ट 1 रे आमे स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 बुझिले सेबोली नेक्स्ट पार्ट पा पार्ट 2 रे आमे स्टैंजा 3 4 5 6 बुझिले। ता सहित तुमरो जहाँ रही नोट्स एंड ग्लोसरी ताप गोटे वीडियो प्रिपेयर कराई जहाँ तुम्हें देखी सारी जो मैंने देखिन तीन टाक वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन में पाइज समस्ते देख बहुत बेनिफिट पाइब। ता सहित ये चैप्टर रो नोट जो मैंने डाउनलोड कर डिस्क्रिप्शन में नोट रो लिंक दिखाई पे निश्चित भाव से नोट डाउनलोड कर। जो नोट्रे तुम्हें स्टैंजा वाइज वर्ड मिनिंग एक्सप्लेनेशन आउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सहित जहाँ जी डिस्कशन करवा टेक्स्ट बुक रे जो क्वेश्चन आंसर अच्छे तुम्हें पाइज। बर्तमान मुझ पढ़ू तुम आगे आंसर देखना कहीं तुम्हें नोट डाउनलोड कर से मुझे चाहूँगी से आंसर तुमको डिस्प्ले करूना पे तो नोट्रे तुम्हें डिटेल्स पाइज। बर्तमान केवल रिविजन हो पाने तुम्हें नोट्रु पढ़ी मन रखी दि जब भिडियो सब देखी नियो मन रखी सार एवं बर्तमान डिस्कसन में पार्टिसिपेट कर ठीक अच्छे। तो मुमक कहीदे केमती मन रही पाने तुम्हें जी सब मन रखी पार बहुत भल कथा। जो मान मन रोना कंपिटिशन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर गोटे छोट कम कर पाने पांचटी लिखाए तुम्हें पढ़ पढ़ मन रख बुझे भिडियो तुम्हें पांचटी क्वेश्चन शुण ताक मन रख पुणी पांचटी से पांचटी को आउ थे शुण बुझिपार मन रही पुणी धर एक पाँच आम शुणिले पुणी एक रु पाँच आउ थे शुणिले आम मन रहीगला ठीक अच्छे। पुणी छः रु दस शुणा बुझे एमती शुण मुझे मझे तुम मन पकईदेवी तुम्हें शुणु कि ना देखुच कि ना से टेक्निकटा तेणु तुम्हें लास्ट पर्यटन देख ए पार्टिसिपेट कर। कंपिटिशन क्वेश्चन सब चैप्टर भी अपलोड होती तुम्हें देखिपर एवं ये चैप्टर आम देखा ठीक अच्छे। स्टार्ट करवा लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम तुम बही रू पढ़ु तुम्हें देखिपर पेज नंबर 92 तुम बही बाहर कर। नंबर 1 व्हाट इज दिस पोएम अबाउट ये पोएमटी क्या विषय योर आंसर आंसर हो द पोएम इज अबाउट बिकिज ट्राजिक डेथ इन ए रोड एक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ब्रेन इन ए फॉर्मेलिन जार। मन रोचे द पोएम इज अबाउट बिकिज ट्राजिक डेथ इन ए रोड एक्सीडेंट बिकिर जो सड़क दुर्घटना घटी दुखद एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ब्रेन एवं द ब्रेन को प्रिजर्व कराई संरक्षित कराई इन ए फॉर्मेलिन जार बुझे पे मैंने। नंबर 2 व्हेयर इज बिकिज ब्रिलियंट ब्रेन कौटी अच्छे बिकिर ब्रिलियंट ब्रेन ना बिकिज ब्रिलियंट ब्रेन इज इन द फॉर्मेलिन जार भितर अच्छी। व्हाई इज द ब्रेन पुट इनसाइड द फॉर्मेलिन जार कहीं बिकिर ब्रेन फॉर्मेलिन जार भितर रखाई ना द ब्रेन इज पुट इनसाइड द फॉर्मेलिन जार बिकज पीपुल कैन स्टेयर आट इट एंड गेन नॉलेज अबाउट इट बुझे पे द ब्रेन इज पुट इनसाइड द फॉर्मेलिन जार बिकज पीपुल कैन स्टेयर आट इट एंड गेन नॉलेज अबाउट इट। नंबर 4 हु डज आई रिफर टू इन द पोएम आंसर इन द पोएम आई रिफर्स टू बिकिज ब्रिलियंट ब्रेन इन द फॉर्मेलिन जार ओके। नंबर 5 हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार ब्रेन को केमती फिलिंग हो जार भितर ना इनसाइड द जार जार भितर द ब्रेन फिल्स दैट इट इज बीइंग डिसरेस्पेक्टेड एंड इनसल्टेड टू बी कॉल्ड ए स्पेसिमेन इनसाइड द जार द ब्रेन फिल्स दैट इट इज बीइंग डिसरेस्पेक्टेड एंड इनसल्टेड टू बी कॉल्ड ए स्पेसिमेन। देख पे मैंने पांचटी क्वेश्चन होगा बर्तमान तुम्हें एक रु पाँच को आउ थे शुणी नियो बेटर मन रही ठीक अच्छे। तो मुझे दुई थर पढ़ू ना कारण बहुत लंग हो पाने बहुत क्वेश्चन आंसर अच्छे तेना थे पढ़ू धीरे धीरे एवं तुम्हें ताको बारंबार शुणिपार ओके। यही फैसिलिटी तुम अच्छी तुम्हें बैक बटन क्लिक करके पछक नहीं वीडियो को देखिपर ओके किसी असुविधा नहीं बारंबार शुणिले आराम मन रहो वीडियो कौटे कटिजी तुम यूट्यूब सब दिन रोक ओके। नंबर 6 हु इज द ब्रेन टॉकिंग अबाउट पे मन दे शुण तुम मन रही तुम हो जाए डिस्कसन हो जाए जहाँ तुम ट्यूशन टीचर्स स्कूल टीचर्स मैंने करती क्लास केवल मुझे डिस्कसन ही करूँ तेणु जार होना से पढ़ी मन रखिपर शुणी मन रखिपर जो हो जाए डिस्कसन आ बेटर मन रही ओके। नंबर 6 हु इज द ब्रेन
टकिंग अबाउट ब्रेन क्या विषय कहूँ ना द ब्रेन इज टकिंग अबाउट बिकी हु वाज ए लिविंग ह्यूमन टू इयर्स एगो ओके नंबर सेवेन व्हाट डज द ब्रेन से अबाउट बिकी आंसर अबाउट बिकी द ब्रेन सेज दैट ही वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉट यंग मैन स्टॉट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक ओके नंबर एट Do you think that Vicky and the brilliant brain are two persons? Why? No. Answer number no. I am Babu ne. Vicky and brilliant brain ko dita loko ki? No. Vicky and the brilliant brain are not two persons because the brain was part of Vicky's body 2 years ago. Vicky ra gote part na ta brain ta. Number 9. Which were Vicky's favorite subjects? Important. Computers and mathematics were. Vicky's favorite subjects. What? Computers and mathematics. Man rakhiwa. Number 10. What was the motto of his life? The motto kaun hota jibon ro? Na the motto of his life was no pain, no gain. Tumhe 6 ru 10 au thare shuni paribo? Ba 1 ru 10 madhyam shuni paribo? Kichi asubidha nahi. Bahut bhalo katha. Okay. Tar motto padile no pain, no gain. Number 11. Was Vicky good at studies? How do you know this? Vicky patha pade ki bhalo? Kim januchi? Yes, Vicky was good at studies. Kim Januche, na line hoche ami dekhuche bohire. The line computers and maths were his domain justifies it. This line ta amku darshauchi. Bujhuchi. Number 12. Vicky loved his parents. Which line says so? Vicky ta parent ko bhal pai bole ko line amar darshauchi. Na Vicky's love for his parents was truly insane. Ei jo line ta. Vicky's love for his parents was truly insane. Okay. এই লাইন রু আমি জানি পারছি দিস লাইন সেজ দ্যাট বিকি লভড হিজ প্যারেন্টস আমার স্টাঞ্জা ফোর এটা আছে না কি হুইচ ওয়ার্ড সেজ দ্যাট বিকি লভড হিজ গ্র্যান্ডমাদার ভেরি মচ কোশ্চেন নম্বর 13 তাহলে কো ওয়ার্ড দর্শাউছি যে বিকি তার গ্র্যান্ডমাদার বহুত ভাল পাওতলা বলি না তো ওয়ার্ড এডর্ড এ ডি ও আর ই ডি সেজ দ্যাট বিকি লভড হিজ গ্র্যান্ডমাদার ভেরি মচ ওকে নম্বর 14 হোয়াট এলস বিসাইড স্টাডিজ Did Vicky do during his college days? What else besides studies? Studies chada Vicky kon kortula tara college dino manankare. Mon rahibo besides studies, Vicky stole a glance at Lauren during his college days. Hala, besides studies, Vicky stole a glance at Lauren padiche during his college days. Number 15, who was Lauren? Why did he steal a glance at her? Answer, Lauren was the name of a girl who studied in the same college which Vicky went to. He stole a glance at her because he liked to look at her beautiful appearance. तुम्हें खाता रे आंसर करी थी वो नोट रू देखी की बुझी हुई वर्तमान तुम्हारा मन रही जाऊँ ची मुझे चाहिए थे डिस्प्ले पर देखे पर था थी किंतु ताद्वारा तुम्हारा डिस्कशन है ही परिवर्तन तुम आंसर देखी ना बना आंसर पढ़ी नहीं खातार आंसर अच्छे किसी असुविधा नहीं नोट्र अच्छे पे मैंने व्यस्त हो ना डाउनलोड कर डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिखाई नोट्र बुझी तो 11 टू 15 तुम्हें आउ थे शुणी मन रखिपार बर्तमान आम 16 रु 20 पढ़ा 16 नंबर व्हाई डज द पोइट से दैट ओनली द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्टबीट थर्ड थर्ड कवि कहीं ब्रेन एक्सप्लेन करकीर हार्टबीट जो थरथर हो तार कारण आंसर हो द ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हिच कंट्रोल्स थॉट्स एंड फीलिंग्स एस्पेशियली द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन ब्रेन हूँ एकमात्र जिनस जहाँ कि मनुष्य भावना अच्छी तथा आवेग को प्रकाश कर पारे गोटे लोकर सो द पोएट सेज दैट द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्टबीट से कवि कहते ब्रेन ही एक्सप्रेस कर हार्टबीट बढ़वार कारण थर्ड थर्ड आज इट सो हापेन आफ्टर विकी स्टोले ग्लांस आट लॉरेन जितेबले कि विकी कौन स्टोले ग्लांस आट लॉरेन बुझे नंबर 16 टी बड़ अच्छी मुझे आउ थे पढ़ी दूँ द ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हिच कंट्रोल्स थॉट्स एंड फीलिंग्स एस्पेशियली द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन सो द पोएज सेज दैट ओनली द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्टबीट थर्ड थर्ड आज इट सो हैपेंड आफ्टर विकी स्टोल ए ग्लांस एट लॉरेन ओके नंबर 17 रीड द स्टांजा 5 एंड 6 अगेन स्टांजा 5 और 6 को आउ थे पढ़
व्हाट आर दे अबाउट कौन कौन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ना स्टांजा 5 and 6 डिस्क्राइब हाउ बिकिस प्रीसियस लाइफ केम टू आन एंड आफ्टर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड द पोएट्स एडवाइस टू अवॉइड रिस्की ड्राइविंग द अदर स्टांजा से अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ बिकिस लाइफ नॉट इज एक्सीडेंटल डेथ इन दिस वे स्टांजा 5 and 6 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ओके नोट आंसर अच्छे तुम इजिली बुझीपर नंबर 18 व्हाट वेयर वाज बिकी राइडिंग व्हेन एंड व्हाई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिकी वाज राइडिंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन द नेक्स्ट लेन ही वाज राइडिंग ऑन ए वेट मॉनसून डे फॉर एन अनइम्पोर्टेंट ऑर्डिनरी टास्क ओके नंबर 19 वेयर वाज हिज फ्रेंड्स हाउस वाज इट वेरी फार आंसर हिज फ्रेंड्स हाउस वाज इन द नेक्स्ट लेन No, it was not very far. Okay. Next, number 20. Why did he go to his friend? Answer, he went to his friend to meet him in connection with an unimportant ordinary task. He went to his friend to meet him in connection with an unimportant ordinary task. Okay. Bujhuchi. तो तुम्हें 16-20 मन रखिपार वर्तमान आम 21 देखा व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट व्हिच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब द एक्सीडेंट आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकी डिड नॉट वियर हिज हेलमेट व्हाइल राइडिंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस दिस कॉज्ड द एक्सीडेंट द वर्ड्स एन एक्सीडेंट गोरी एंड इनह्यूमन इन द पोएम डिस्क्राइब द एक्सीडेंट बुझी पाने आउ थे पढ़ु नंबर 21 क्वेश्चन थी व्हाट कॉज द एक्सीडेंट व्हिच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब द एक्सीडेंट कहीं एक्सीडेंट है कौ वर्ड दर्शाऊँ आंसर हो फॉर द फर्स्ट टाइम बिकी डिड नॉट वियर हिज हेलमेट व्हाइल राइडिंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस दिस कॉज्ड द एक्सीडेंट द वर्ड्स एन एक्सीडेंट गोरी एंड इनह्यूमन इन द पोएम डिस्क्राइब द एक्सीडेंट ओके नेक्स्ट 22 देखा What meaning does the line for once from wearing his helmet he did refrain convey? Was it Bicky's habit to wear his helmet while riding his bike? Bujhuchi, e jo line ra mane kon? For once from wearing his helmet he did refrain convey first. Na e line ra mane hochi the meaning of this line conveys is that Bicky did not wear his helmet for once. That is one time. Kebal one time sei thore kebal pindinathila. Man rakhiba. येस इट व्वाज बिकिज हाबिट टू वियर इज हेलमेट व्वल रईडिंग इज बैक कितु हाबिट थी किंतु से थे केवल भूली जाइला देखु केत बड़ हादसा हो गला 23 हाउ डिड द एक्सीडेंट अफेक्ट बिकी एंड हिज फैमिली बिकी और परिवार को कमी प्रभावित करा ना बिकी व्वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट बिकी एक्सीडेंट मृत्युवरण करता एंड हिज फैमिली सफोर्ड ए लॉट फॉर हिज सैड डिमाइस तार परिवार तार डिमाइस मीन्स डेथ तार दुखने जंत्रणा भोगला बहुत कष्ट सहिले पर सदस्य मैंने इन दिस वे द एक्सीडेंट अफेक्टेड बिकी एंड हिज फैमिली यहपर भाव में एक्सीडेंट प्रभावित करता बिकी और तार परिवार को व्हाट मेसेज डज द पोएट हाव फॉर द यंग जेनेरेशन थ्रू दिस पोएम यंग जेनेरेशन मान को कौन मेसेज देखते पोएम पोएट ना रोड एक्सीडेंट्स आर ऑफन कॉज्ड due to carelessness of young adults as compared to the people of other age groups bujhi huchi young adults kothare beshi daitwinata rahuchi tenu tankara beshi road accident hochi other age group ko tulonare so they should take care and avoid risky driving tenu semane tike careful rahwa darkar ebong risky driving ko bepota gadi tulona ko tike avoid kariwa darkar bujhi huchi the poet has This message for the young generation through this poem. Bujhuji, tapare can you say why such dreadful accidents occur on road and cause death every moment? Answer, dreadful accidents occur on road and cause death every moment due to increasing incidences of traffic violation and lack of awareness about road safety rules. बुझे नंबर 26 लास्ट बट नॉट लिस्ट सजेस्ट सम वेज टू रिड्यूस ट्राफिक रोड ट्राफिक इंजुरीज आरटीआई
आंसर पीपुल सुड बी आवार एंड कन्सियस अफ द रोड ट्राफिक रूल्स एंड द ट्राफिक पुलिस सुड पनिश द भायोलेटर्स स्ट्रिंजेंटली। बुझी हो जी? तो तुम्हें आउ थे शुणीपर 21-26 तो पाने जी रे जहाँ रही तुम्हें देखिपार ये सब क्वेश्चन गुड़ाक इम्पोर्टेंट। ओके तेणु तुम्हें नोट्रे क्वेश्चन रो आंसर सब पाइज। बुझी आम एपी आउ गोटे भिड मुक आसबी से भिडियो तुम यू पार्ट रेणु तुम्हें समस्ते ये पार्ट्रे 26 क्वेश्चन आम डिस्कशन कले बेस लंग भिड मुझेपी आणुना कहीं तुम्हें बोरींग हो आम आज 26 क्वेश्चन डिस्कशन कले नेक्स्ट पार्ट्रे बाकी जहाँ रहा आम डिस्कशन करवा तेनालीराम पार्ट वन आम कहींपर क्वेश्चन आंसर रहा बहुत गुड़ी जिनस अच्छी पे आम से भिडर पढ़वा। बुझे प्रोनाउंसिएशन हो आमर रोड सिंबल जिनस हो पेनाल्टी कथा हो आम आउ गोटे भिड से देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।